दोस्तों स्वागत है आज का फिर एक वीडियो में। और आज हम रायगढ़ के रेलवे स्टेशन आए हुए हैं और हम मेरा पर्सनल काम था इसलिए मैं इधर आया था, तो मैं एक वीडियो बना लिया जाए ऐसे सोच के मैंने एक वीडियो बनाया हूँ। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो केलू आपको खाते हैं उसका हम थोड़ा व्यू बताएंगे और रायगढ़ में कितना रेट चल रहा है, ठीक है, उसका जानकारी हम बताने वाले हैं। तब तक वीडियो तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ बेर रखा हुआ है और अगर आपको बेर वगैरह लेना रहेगा तो आप रेलवे स्टेशन के किनारे में यहाँ मार्केट लगा है। और ये जो दादी आप देख रहे हैं ये तेंदू और बेर लेकर बेच रही है। तो चलिए हम पूछते हैं दादी से कि क्या रेट दे रही है तेंदू का। तो दोस्तों हम पूछते हैं क्या रेट दे था 40 रुपए किलो। अच्छा एकदम मीठा है ना, कस्सा थोड़े लगते हो, कस्सा थोड़े लगे मीठा है। अच्छा कहाँ ले लेके आता, बेलपहा ले। तो दोस्तों ये 40 रुपए किलो यहाँ दे रहे हैं दादी और इनका जो तेंदू है बहुत बड़ा बड़ा है। तो आपको अगर खाना रहेगा या फिर लेना रहेगा तो आप यहाँ आके खा सकते हैं। कैसे लगा था जी, बढ़िया है ना? अच्छा मीठा है ना? अच्छा अच्छा चलो ठीक है ना। यहाँ क्या बजे ले लगा था देखिए तो वीडियो बना देता हूँ, वीडियो एक बनाता चल ही की हाओ हाओ। अरे नेट में छा जा रहा थे 1 2 3 4 बीजा। तो दोस्तों हम लोग खाने के लिए दादी दी हैं एक केंदू, इसको खा के बता रहे हैं कि ये टेस्ट में कैसा है। तो मैं एक आधा इसका टुकड़ा खा चुका हूँ और बहुत टेस्टी लग रहा है। और अगर आप लोगों को खाना रहेगा ना दोस्तों तो आप लोग यहाँ आके ज़रूर खाइए, बहुत टेस्टी लग रहा है। और इसी मौसम में ये खाने का बहुत ही अच्छा फल है, ठीक है। ये जंगलों में पाया जाता है और इसका जो पेड़ रहता है कैसे फलता है इसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो खींचा। और कहाँ ले हंसगा, यहीं के हंस। अच्छा अच्छा अब अमली के 100 रुपए किलो, ये खाने पूरा बढ़ गई से GST लगा दस बजे लगते। अच्छा ठीक ठीक के बजे तक बैठता से यहाँ 6 बजे। और सुबह के बजे आता था, वो शाम के बजे आता था 9 बजे आता था और शाम के 6 बजे आता था। हमारे लिए कोई ज़्यादा लेते हैं तो डिस्काउंट देता कि नहीं, 10-20 कम कर देता है। मैं कोई 10 किलो ली तो सीधा 20 रुपये कम कर देवे का 10 रुपये। अच्छा मैं 30 रुपये का था। चल चल का नाम है तोर, हैं संजीत कुर्रे। तो दोस्तों देख सकते हैं संजीत कुर्रे यहाँ बैठे हुए हैं और तेंदू बेच रहे हैं। ये इनका थोड़ा अच्छा बिजनेस है और पैसा कमाने का बहुत अच्छा साधन है। तो दोस्तों अगर आपके अंदर काम करने की जज्बा हो या बिजनेस करने की जज्बा हो तो आप संजीत कुर्रे जी से सीखिए। ये क्या कहेंगे लोग, इस बात को अपने दिल से निकाल दिए हैं और अपना बिजनेस करने के लिए रोड किनारे बैठ गए हैं। एक न एक दिन ये बहुत ही तरक्की करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।